Hello everyone, welcome to Digital Kaksha, and today we will discuss the chapter number 3 of the focus literature, that is the story of Sapta Rishis. First, we should know about something, the author, because when we will acquainted with what author, then we will get the theme of the chapter. अगर हमें ये पता चल जाता है कि ऑथर किस तरीके का है, उसकी राइटिंग एक्सपर्टीज क्या है, तो चैप्टर के बारे में बहुत नॉलेज हो जाती है. तो मीरा ओबेरॉय इज राइटर ऑफ दिस चैप्टर, एंड मीरा ओबेरॉय वाज बोर्न इन बैंगलोर, यानी ये इंडियन है. ओबेरॉय रोट मेनी स्टोरी बुक्स फॉर चिल्ड्रन, उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी स्टोरी बुक्स लिखी. शी लव टू रिटेल फेरी टेल्स, और उनको फेरी टेल्स लिखना बहुत अच्छा लगता था. मिथ्स, लीजेंड्स एंड अदर स्टोरीज फ्रॉम बायगोन टाइम्स, मतलब वो मिथिकल स्टोरी, फेरी, इन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहती थी. सम ऑफ हर पब्लिश्ड बुक्स आर स्टोरीज फ्रॉम महाभारत, इंडियन फोक टेल्स, लॉर्ड गणेशास फीस्ट ऑफ लाफ्टर, ये सब उनकी क्या है, स्टोरीज हैं. पेंगुइन बुक ऑफ गार्डनिंग इन इंडिया, द पफिन बुक ऑफ क्लासिक इंडियन टेल फॉर चिल्ड्रेन, और जो ज्यादातर उन्होंने बच्चों के लिए लिखी. हर लीडरशिप सीक्रेट्स फ्रॉम द महाभारत इज अ बुक ऑन द थ्योरीज ऑफ किंग क्राफ्ट एज एक्सपाउंडेड बाय द एंशिएंट सेजेस ऑफ इंडिया. और जो उनकी लीडरशिप सीक्रेट है, जो महाभारत से उन्होंने विड्रॉ करी, वहां से उन्होंने उसका आइडिया लिया, वो किस किंग क्राफ्ट की थ्योरी को एक्सप्लेन करती है, जो हमारे जो साधु संत थे उन्होंने भी जिसको बताया था. तो दिस इज द brief description of the author, and now we will move toward the chapter. तो अब देखिए, ये image देख के क्या लग रहा है कि हाँ, priest है, sages है, और वो कुछ ritual perform कर रहे हैं. तो exactly our story is about the sages only. As India has many type of sages and very prominent and great sages, but some of them, of those sages, were or was prominent. तो बस उन्हीं prominent sages, उन्हीं ऋषिस के बारे में आज हम पढ़ेंगे. और वो कौन से ऋषिस थे? सप्त ऋषिस थे. ऐसा क्या हुआ कि ये स्टोरी लिख दी मीरा ओबेरॉय ने? ऐसा उनके साथ क्या हुआ? तो वही सब हम इस चैप्टर में देखेंगे. देखते हैं पहला स्टैंजा, पहला पार्ट देखते हैं. तो when the world began, there were number of powerful rishis, but the greatest of all were the Sapta Rishis, or the seven great ones. जब विश्व की शुरुआत हुई, जब दुनिया की शुरुआत हुई, तो बहुत सारे ऋषिस थे, लेकिन उसमें से कुछ बहुत ही पावरफुल और ग्रेटेस्ट थे, और वो सात थे. कौन कौन से? कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, भारद्वाज, गौतम, विश्वमित्र एंड जमदग्नि. कौन से सात थे? ये सात थे. There came a time when the seven rishis and Vasishtha's wife Arundhati were all together, and they had a common serving maid named Gunda. यानी seven rishis और Vasishtha की जो पत्नी थी Arundhati, वो आठ लोग साथ रहते थे, और उनकी maid का नाम क्या था? Gunda. And what is written next? आगे क्या लिखा है? Who was helped by her husband Pashushka? और उसकी हेल्प कौन करता था? गुंडा की, पशुष्का. तो फ्रॉम द दीज लाइंस वी नो दैट द प्रोमिनेंट ऋषिज वर सप्त ऋषिज, एंड दे लिव्ड अलोंग विद द वाइफ ऑफ वशिष्ठ एंड टू सर्वेंट्स, वन इज गुंडा एंड हर हस्बैंड वाज पशुष्का. दे लिव्ड टुगेदर इन द परफेक्ट हार्मनी एंड रोव द वर्ल्ड. वो बहुत ही प्यार से रहते थे और दुनिया का भ्रमण कर रहे थे. रोव्ड मतलब क्या होता है? दुनिया का भ्रमण करना. परफॉर्मिंग सेवियर ऑस्टेरिटीज एंड पीनेंसेस. अब ये ऑस्टेरिटीज क्या होता है? ऑस्टेरिटीज का होता है किसी चीज को त्याग देना. जैसे आपने ऑस्टेयर सुना होगा, तो ऑस्टेयर क्या होता है? जिसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता, सन्यासी. और पीनेंसेस क्या होता है? पीनेंसेस भी उसी सेंस में होता है. पीनेंसेस का मतलब कुछ ऐसे रिचुअल्स करना, कुछ ऐसी चीजें करना जिससे आपको हेवन मिले. ओके, तो वो रोफ कर रहे थे वर्ल्ड को, क्या परफॉर्म करते हुए? ऑस्टेरिटीज एंड पीनेंसेस, सो दैट दे कुड रीच हेवन. किस लिए? ताकि वो हेवन
पहुंच सके। टाइम पास्ड विदाउट देयर नोइंग अंटिल अ टेरिबल ड्रॉट एफ्लिक्टेड द लैंड। धीरे धीरे टाइम बीतता गया और उनको पता भी नहीं चला। और फिर क्या हुआ, एक बहुत टेरिबल सा ड्रॉट यानी सूखा पड़ा। द अर्थ ग्रू पार्च्ड क्रैकिंग ओपन एंड ऑल लिविंग क्रिएचर्स बिकेम थिन एंड वीक। बहुत सूखा पड़ गया, तो जब सूखा पड़ जाता है तो क्या होता है, ऐसे ऐसे क्रैक्स पड़ने लगते हैं अर्थ में, तो अर्थ इतनी पार्च्ड हो गई कि उसमें क्रैक पड़ने लगे। और जो क्रिएचर्स थे अर्थ पे वो बहुत ही थिन और वीक हो गए। From this stanza, we know that they were living in harmony and time was passing continuously, but suddenly a drought afflicted a land very badly, so that all the creatures were becoming thin and weak. Okay? आगे देखते हैं क्या लिखा है। The seven great rishis fared no better. Weak with hunger, they wandered over the arid land in search of food they could eat. अब वो भी ऋषिज क्रिएचर ही थे, तो वो भी भूख से बहुत व्याकुल हो गए। एंड और उन्होंने क्या कर दिया, सर्च करना चालू कर दिया, क्या फूड जो वो खा सके। फॉर एस ट्रू सेंट, अब क्योंकि वो तो ट्रू सेंट थे, फॉर एस ट्रू सेंट दे कुड ईट ओनली दैट विच वॉज गिवेन टू देम at a sacrifice or the roots and fruits of the forest. अब जो वो saint थे, तो true saint क्या करता है, केवल वो वही चीज खाता है जो उसको sacrifice यानी दान के समय, पूजा के समय या बलिदान के समय दिया जाए, या फिर वो जंगल के fruits और roots पत्ती वगैरह खा सकता है। तो जब अर्थ में कुछ हो ही नहीं रहा है तो उनको कहाँ से कुछ खाने को मिल जाएगा, और अगर कुछ हो भी रहा है तो कोई दान तो दे नहीं देगा, पहले तो इंसान खुद खाएगा तब दान देगा ना। तो वो लोग भी वांडर करने लगे, भटकने लगे। आगे क्या लिखा है, एनीथिंग एल्स वुड रिड्यूस द मेरिट्स दे हैड अटेंड थ्रू पेनेंस। अब उनके पास ये भी प्रॉब्लम थी कि वो और कुछ खा नहीं सकते थे, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन थी कि वो तो सिर्फ वही खा सकते हैं जो या तो उनको कोई दान दे दे या फिर वो फॉरेस्ट में हो और वो खुद से तोड़ के खा लें। एनीथिंग एल्स, और अगर वो उसके अलावा कुछ और खाते हैं तो वो जो मेरिट्स थी जो उन्होंने जप तप करके अपनी पुण्य बढ़ाए थे वो सब खत्म हो जाएंगे और वो हेवन नहीं जा पाएंगे। ओके, फ्रॉम दिस स्टैंजा वी गेट नो दैट द ऋषिज वर वेरी हंग्री बट दे वर नॉट एबल टू ईट एनीथिंग। वाई, बिकॉज देर इज अ रूल, इफ यू आर अ ट्रू सेंट सो ओनली यू हैव टू ईट दैट विच यू गेट एट द सेक्रीफाइस और एनीथिंग दैट इनकम्पनीड फ्रूट और रूट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। और तब तो सूखा था तो उनको कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो ये उनकी प्रॉब्लम थी। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। वन डे दे मेट अ मैन। अच्छा, फिर एक दिन उनको एक आदमी मिला। अब वो आदमी मिला तो क्या हुआ, होली वंस द मैन सेड बोइंग लो बिफोर देम। अब वो क्या हुआ, बोइंग लो का मतलब क्या होता है, सामने झुक के जो प्रणाम करते हैं उसको बोलते हैं बोइंग लो। वो सामने झुक गया और उसने क्या बोला, होली वंस, अरे गुरुओं, होली मतलब पवित्र, ऋषि लोगों को उन्होंने क्या, उसने क्या किया, संबोधित किया। I will give you all you need, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुमको चाहिए, ग्रेन, बार्ले, म्यूल्स, गोल्ड, काउस विद काफ्स एंड रेयर जेम्स। मतलब उसने क्या बोला, मैं आपको अनाज भी दूंगा, मैं आपको बाजरा भी दूंगा, मैं आपको जानवर भी दूंगा, मैं आपको गोल्ड भी दूंगा और मैं आपको जेम्स और काउस भी दूंगा। सो फ्रॉम दिस स्टैंजा वी गेट टू नो दैट अ पर्सन मेट विद ऋषिज एंड ऑफरिंग देम समथिंग विच ऑल दे नीड। अब देखते हैं आगे क्या होता है। द ऋषिज थॉट ऑलमोस्ट फेंटिंग विद हंगर। ऋषि सुन रहे थे, सोच रहे थे और हालत इतनी खराब थी कि बस वो बिल्कुल बेहोश होने वाले थे। फेंटिंग मतलब बेहोश होना, फेंटिंग मतलब बेहोश होना।
भूख से वो बस बेहोश होने वाले थे। पोलाइटली रिफ्यूज्ड हिम, लेकिन फिर भी उस क्या कर दिया, उसको पोलाइटली मना कर दिया और क्या बोला, इफ वी एक्सेप्ट योर गिफ्ट्स वी विल लूज द मेरिट्स वी हैव एक्वायर्ड थ्रू सच डिफिकल्टी। क्या बोला, अगर हम आपका दिया हुआ सामान एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जो हमने इतना जब तप इतनी ऑस्टेरिटीज और पीनेंसिस करके मेरिट्स कलेक्ट करी हैं वो क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। वी मे एक्सेप्ट फ्रूट्स ऑफ द फॉरेस्ट बट नो मोर, यानी कि हम क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम सिर्फ फॉरेस्ट के फ्रूट और रूट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं और इसके अलावा हम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। विदाउट अ ग्लांस एट द रिचेस, और उन लोगों ने जो उसके पास चीजें थी, रिचेस, रिचेस का मतलब क्या है, रिचेस यहाँ पे नाउन है, जो उसके पास धन संपदा थी उसकी तरफ देखा भी नहीं और ये बोल दिया। द सेवन ऋषिज लेफ्ट द प्लेस लेस्ट दिस शुड बी tempted by the man's offer, और उससे पहले ही वो जगह छोड़ के चले गए जब तक वो tempt हो पाए उस man के offer से। अब ये tempt क्या होता है, tempt मतलब fascinate हो जाना, attract हो जाना, allure हो जाना। तब उन लोगों ने उस जगह को तुरंत ही छोड़ दिया, उन लोगों ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इनके प्रलोभन में फंस जाऊं, इनके लालच में आ जाऊं। So from this stanza we get to know that a man was offering rishis all they need, but rishis refused the man politely by giving an excuse that they were not able to accept the offer. Okay, तो ये part 1 हमने complete कर लिया, अब test करते हैं कि कितना हमें ये समझ में आया। तो who were the saptarishis, name them, कौन कौन थे, अभी आपने देखा कौन कौन थे, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, भारद्वाज, गौतमा, विश्वामित्र एंड जमदग्नि, यही थे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हु वाज गुंडा, गुंडा वाज देयर सर्वेंट, व्हाट वाज द नेम ऑफ हर हस्बैंड, पशुष्का, व्हाट डिड द मैन ऑफर टू द सप्तऋषिज, द मैन वाज ऑफरिंग ऑल दे वर नीडेड, यही तो ऑफर कर रहा था, जो भी उनको चाहिए था वो सब वो ऑफर कर रहा था। Why did Saptarishis refuses the man's offer? और Saptarishis ने उस man के offer को क्यों refuse कर दिया? क्योंकि Saptarishis ने ये बोला कि we can accept only fruits and roots from the forest, no other than this. यानी कि हम इसके अलावा कुछ और accept नहीं कर सकते। तो so this is the explanation of chapter Saptarishis part 1 and we will discuss the Part 2 in our next session. And if you like this video, don't forget to like, share, subscribe Digital Kaksha. Thank you.